आज आप एक रैली से, आप लगातार रैलियों से आ रहे हैं, आपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, गला भी आपका खराब रहा। एक बात का जिक्र आपने उस रैली में सैम पित्रोदा के बयान का बार बार किया, हुआ सो हुआ। इससे पहले सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे थे। क्या ये बात गले से नीचे उतरती है कि एक सलाहकार अपने आला कमान के बिना ऐसे बयान दे सकता है? क्या आपको इसमें कोई सोची समझी उनकी रणनीति नजर आती है ऐसे बयानों में? आप सिर्फ सैम पित्रोदा तक सीमित हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला बयान था कि बड़ा पैर गिरता है तो धरती हिलती है। उसके बाद जितनी भी घटना है उसी की कंटिन्यूटी में है। 84 में इतने दंगे हो गए, इतने लोग मारे गए, दिल्ली में कभी कर्फ्यू नहीं लगा था, इतनी भयंकर स्थिति में कर्फ्यू नहीं लगा था, दिल्ली में एक भी गोली नहीं चली थी सरकार की पुलिस की तरफ से, इतने दंगे चल रहे थे, ऊपर से पैर गिरता है तो धरती हिलती है, तो जो लोग धरती हिलाने वाले थे उनको पता चल जाएगा, आशीर्वाद मिले हैं। बाद में कमीशन बने, जिकना बना, फलाना बना, उनको मिनिस्टर्स बनाए गए। इतना ही नहीं, उनके एक सज्जन को पंजाब चुनाव का इंचार्ज बना दिया था, तो पंजाब से तूफान उठा भाई, इसका तो नाम सिख राइट्स में है, तो बड़ा आंदोलन हुआ तो उसको हटाना पड़ा, उसी व्यक्ति को सीएम बना दिया गया। तो जो पीड़ित परिवार है वो इन चीजों को देखते हैं कि भाई ये तो इनकी कंटिन्यू, उनको हमारी परवाह ही नहीं है, उनका अहंकार इतना है। उसी स्कूल ऑफ थॉट्स का ये हिस्सा है। तो आप कह रहे हैं पित्रोदा जी और इन सब के बयानों के पीछे गांधी परिवार है? आपकी जो मर्जी आप बोल सकती हैं, मुझे मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कांग्रेस पार्टी का अहंकार सातवें आसमान पर है और उसी के कारण हुआ तो हुआ, मरे तो मरे, होता रहता है। ये भाव इसमें नहीं है, सब चीज में उनका यही रहा है जी। इतने करप्शन हुए, इतने कोयला टिकना फलाना, उनका क्या जवाब यही है, कर लो जो करना है कर लो, यही है जवाब।